सेंधवा श्री हनुमान जन्मोत्सव शहर सहित अंचल में हर्षोल्लास से मनाया गया। अल सुबह से हनुमान मंदिरों में भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी। शहर में खेड़ापति हनुमान मंदिर, पितरेश्वर हनुमान मंदिर, चेतन हनुमान मंदिर, सत्यम स्पिनर स्थित मंदिर, किला गार्डन स्थित हनुमान मंदिर सहित सभी मंदिरों में सुबह से ही बाबा का अभिषेक पूजन किया गया। वो महाआरती की गई, उसके पश्चात विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। भंडारे में हजारों श्रद्धालुओं ने प्रसादी ग्रहण की। खेड़ापति हनुमान मंदिर में अटल चौराहा मित्र मंडल द्वारा भक्तों के लिए शीतल जल की व्यवस्था की गई। अंजड़ हनुमान जन्मोत्सव हर्षोल्लास व भक्ति भाव के साथ मनाया गया। सुबह से ही हनुमान मंदिरों में श्रद्धालुओं का जन सैलाब उमड़ पड़ा। भवती हनुमान मंदिर में दो दिवसीय हनुमान जी का जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया गया। जन्मोत्सव के एक दिन पूर्व गुरुवार रात भर पूजन अर्चन का दौर चला। रात्रि 8 बजे से संगीतमय सुंदरकांड के बाद भगवान हनुमान जी महाराज का महेश्वर से पधारे विद्वान पंडितों द्वारा वैदिक मंत्रोच्चार के साथ रुद्र अभिषेक किया गया। सुबह 6 बजे सूर्योदय के साथ श्री भवती हनुमान जी की आरती कर जन्मोत्सव मनाया गया। पश्चात हवन कर पूर्णाहुति की गई व कन्या पूजन करवाकर विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, जो देर रात्रि तक चला, जिसमें लगभग 15,000 श्रद्धालुओं ने हिस्सा लेकर पुण्य लाभ लिया। नागलवाड़ी हनुमान जन्मोत्सव पर कई आयोजन हुए। प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी हनुमान जन्मोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया गया। सुबह से ही हनुमान भक्तों के हनुमान जी को चोला चढ़ाने वाले की मंदिर पर कतार लगने लगी। वहीं नवयुवक रामायण मंडल द्वारा सुंदरकांड का आयोजन रखा गया। सुंदरकांड के पश्चात महाआरती कर चना मिश्री काजू बादाम अंगूर प्रसादी का भोग लगाया गया। भंडारा प्रसादी का वितरण किया गया। भंडारा प्रसादी में लापसी व दाल सिरवी समाज द्वारा बनाया गया। बलवाड़ी श्री हनुमान जन्मोत्सव ग्रामीण अंचलों में धूमधाम से मनाया गया। मंदिरों में पूजा पाठ भंडारे का आयोजन किया गया। बलवाड़ी में रामधुन भजन मंडल के द्वारा संगीत में हनुमान चालीसा का पाठ किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में भक्तों ने हनुमान मंदिर पहुंचकर भाग लिया। महाआरती का आयोजन किया गया, जिसके पश्चात भंडारे का आयोजन किया गया। भंडारे में बड़ी संख्या में लोगों ने भोजन प्रसादी ग्रहण की। राजपुर मोरगुन में 16 वर्षों से हनुमान मंदिर में होता आ रहा है अखंड रामायण पाठ, साथ ही धूमधाम से मनाया जाता है भगवान हनुमान का जन्मोत्सव। महाप्रसादी का होता है आयोजन। राजपुर से 4 किलोमीटर दूर ग्राम मोरगुन में अति प्राचीन हनुमान मंदिर में भगवान हनुमान के जन्मोत्सव के अवसर पर पिछले 16 वर्षों से अखंड रामायण पाठ एवं सुंदरकांड का आयोजन किया जाता है। धनोरा प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी हनुमान जयंती के अवसर पर खेड़ापति हनुमान मंदिर में भंडारे का आयोजन किया गया। पिछले 30 वर्षों से भी अधिक समय से भंडारे का आयोजन किया जा रहा है। इससे पहले हनुमान जी का अभिषेक पूजन कर आकर्षक श्रृंगार किया गया। सुंदरकांड पाठ और हवन पूर्णावती के बाद भंडारा हुआ। भंडारे में 5,000 से अधिक लोगों ने प्रसादी ग्रहण की। शेगांव नगर के ऐतिहासिक अति प्राचीन नांगलवाड़ी रोड पर स्थित भिलटदेव मंदिर का आज हनुमान जन्मोत्सव के पावन पर्व पर भूमि पूजन किया गया। इस मंदिर के निर्माण के लिए एक छोटे से किसान जगन्नाथ धनगर द्वारा 34x87 लाख रुपए की कीमत की जमीन दान दी गई। मंदिर का भूमि पूजन 3 वर्ष की कन्या द्वारा करवाया गया। इस मौके पर बड़ी संख्या में नगरवासीगण मौजूद थे। वहीं मंदिर निर्माण के लिए दानदाताओं द्वारा दान राशि भी भेंट की गई। नगर में हर्षोल्लास से जन्मोत्सव मनाया गया।